प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पलाश और ये दीपांकर। आज हम सेल्फ डिफेंस के ऐसा कुछ बेहतरीन से अलग सा टेक्निक दिखाएंगे और सिखाएंगे। हमारे शरीर का ऐसा कुछ हिस्सा है जो थोड़ा सा ताश या चोट लगने से लोग ज़्यादा दर्द होता है, और हमारे शरीर का ऐसा कुछ हिस्सा है जो ताश होने से या चोट लगने से या ऐसा घाट होने से लोग बेहोश हो जाते हैं। तो वो स्थान, वो जगह हम दिखाएंगे इस वीडियो के जरिए। अगर हमारे ये यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और सामने जो बेल आइकन वो दबा लीजिए ताकि दूसरा वीडियो आप पा सके। तो प्यारे दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, देखिए हमारी जो फर्स्ट ये जगह है, ये देखिए हमारी कान के ऊपर हेड में, देखिए ये जगह बहुत स्ट्रांग भी है और लूज भी है, बहुत स्ट्रांग भी है लूज है, लेकिन मारने का तरीका अगर अच्छा ना हो तो ये बहुत स्ट्रांग है, ताकि हम अगर मारे तो खुद जो मारेगा उसका भी ज़्यादा दर्द होगा, लेकिन जिसको मार पड़ेगा उसका कुछ नहीं होगा। मारने का तरीका अगर अच्छा नहीं हुआ तो यहाँ जो सीज है, ये जगह देखिए बहुत स्ट्रांग है और लूज भी है। तो कैसे मारना है यहाँ देखिए, हम इसको इस उंगली जो पांच नहीं मारना है, पांच मारने से उसका दर्द होगा लेकिन बेहोश नहीं हो जाएगा। क्या करना है, ये उंगली ऐसा करना है, देखिए ऐसा करना है, ये उंगली से इस हिस्से से पड़ना चाहिए, उंगली का प्रांगुली ये हिस्सा से हमें यहाँ मारना है, यहाँ मारना है। तो देखिए कैसे यहाँ मारना है, इस तरफ से यहाँ मारना है, यहाँ ये हिस्सा। अगर इसके बाद कान के नीचे जो कान के ये हिस्सा, देखिए ये हिस्सा थोड़ा सा टास होने से ज़्यादा दर्द होता है और लोग बेहोश भी हो जाते हैं, ये हिस्सा कान के ये हिस्सा, उसको ऐसे मारने से उसका दर्द होगा, गिर जाएगा, ऐसे मारने से उसका दर्द होगा, ये गिर जाएगा यहाँ। तो उसको मारना है ये फिंगर्स से, पूरा फाइव फिंगर्स पूरा ऐसे क्लोज कर लेना, क्लोज करके ये बहुत स्ट्रांग बहुत मजबूत होता है, उसको सामने से हमें यहाँ मारना है, सामने से जाकर हमें यहाँ मारना है। नहीं तो अगर उंगलियों से भी मार सकता हूँ, ये एक उंगली जो बिग फिंगर के सामने ये उंगलियाँ जो है, ये दोनों तरफ से इसको प्रेस करना है, ये उंगलियाँ ये मारना है, इस उंगली से दोनों तरफ से ऐसा पकड़ लेना है, ये ऐसा पकड़ ले तो बहुत स्ट्रांग होता है। कैसे, हम अगर सामने से आए तो इसे टच करके हमें यहाँ मार सकता हूँ, ठीक है, यहाँ मार सकता हूँ यहाँ, नहीं तो इस तरफ से भी हम यहाँ मार सकता हूँ, इस तरफ से भी यहाँ मार सकता हूँ, यहाँ इस उंगली से पांच नहीं मारना और ऐसा नहीं मारना, ऐसा पांच मारने से दर्द होगा लेकिन कम होगा, और ऐसे मारने से थोड़ा दर्द कम होगा, लेकिन ये उंगली से मारने से उसका ज़्यादा दर्द होगा। देखिए यहाँ यहाँ, नहीं तो यहाँ मारने के सुविधा नहीं मिला तो क्या करना है, ये उंगली ऐसा पकड़ के उसके कान के अंदर डाल देना है, ऐसा कान के अंदर पूरा डाल देना है, तो वो कुछ होगा। उसके बाद देखिए हमारी नासिका के ऊपर, ये नासिका के ऊपर आँखों के दोनों आँखों के सामने, यहाँ देखिए दोनों आँखों के सामने यहाँ यहाँ मारना है, ज़्यादा दर्द होता है। जैसे कोई भी जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हमारी नाक नासिका पे थोड़ा ताश होने से ज़्यादा दर्द होता है, जितना ही ताकतवर क्यों ना हो, यहाँ मारना है। तो कैसे, देखिए सेम मार है ये उंगलियों से, ऐसे पांच नहीं मारना है, ऐसे उंगली ऐसा कर लेना, और इसके बाद इस उंगलियों से उसको मार पड़ेगा, कैसे ऐसे ऐसे। अगर यहाँ और यहाँ नाक, नाक पर सीधा क्या करना है, उंगली ये दो जो उंगलियाँ हैं वो डाल देना है, ऐसा डाल देना, डाल के पूरा खींचना है, जैसा भी जो भी हो उसको दर्द ज़्यादा होगा। उसके बाद देखिए ये कंठनाल है हमारे, ये कंठनाल है, यहाँ मारना है, यहाँ मारने से ज़्यादा दर्द होता है। तो वहाँ मारने का तरीका टेक्निक है बहुत है, तो उंगलियों से मारना है, देखिए ऐसा करके पांच पकड़ के जो मिडिल फिंगर्स है, जो मिडिल फिंगर्स, तो उसको थोड़ा ऊपर उठा लेना है, ऐसा देखिए मिडिल फिंगर्स जो ऊपर उठा लेना, और जो बिग फिंगर्स है इसे ऐसा दबाना है, ताकि पंच की तरह ऐसा स्प्रिंग ना हो जाए, ये बिग फिंगर से ऐसा दबाना है, दबा के वहाँ मार सकता है, कैसे बस यहाँ ऐसे मार सकता, यहाँ यहाँ लगने से, कंठनाल में लगने से ज़्यादा दर्द होता है, ये सांस रुक जाते हैं। और इसके बाद देखिए सूर्य चक्र, ये सूर्य चक्र, यहाँ सूर्य चक्र
यहाँ मार सकता हूँ, यहाँ मारने से सांस रुक जाते, बेहोश हो जाते या गिर जाएगा। देखिए मार अच्छा हो तो वो गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, दोनों में से एक होगा मार अच्छा हो तो। यहाँ मारने का तरीका बहुत है, हम लोग पहले ही पास जाकर सीधा हम लोग पांच भी मार सकता हूँ। इसके बाद पांच अगर नहीं मार पाए तो सेम उसको ये पूरा उंगली उंगली पूरा स्ट्रेट पूरा सीधा करके हमें जैसे मार सकते हैं, सीधा करके जैसे सीधा करके हमें मार सकते हो। इसके बाद ऐसा नहीं हुआ तो देखिए ये मिडिल फिंगर्स ऊपर करके प्रांगुली कहते उसको ऊपर करके ये बिग फिंगर जो उसको दबाना, नीचे दबा के हमें उसको मार सकता हूँ। देखिए सूर्य सत्या में इसको मार सकता हूँ। उसके बाद ये सामने साइड देखिए ये जो हाथ खसरी का एल्बो इसका नीचे सेम उसका सिर है, यहाँ हम मार सकता पंच मारने से मार सकते हैं, ऐसे पंच सामने से पंच मार सकते हैं, नहीं तो इस तरफ से सामने से आकर भी हमें यहाँ मार सकते हैं, यहाँ पंच मार सकते हैं दोनों साइड से, ठीक है दोनों हाथ से भी मार सकता हूँ। सामने पूरा एल्बो के सिर है इस यहाँ मार सकता हूँ, ज़्यादा दर्द होता है यहाँ। और इसके बाद नीचे जो विषन जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स है वहाँ मार सकता हूँ, वहाँ मारने से तो लोग मर ही जाएगा या बेहोश होने का तो अलग ही बात है, वो मर जाएगा। जैसे हमें किक मार सकता हूँ, किक मार सकते ऐसा, नहीं तो ऐसा मार सकता हूँ, नहीं तो ऐसा मर सकता हूँ उंगली ऐसा करके। और यहाँ नसीहे के ऊपर ऐसा, उसके बाद कान के नीचे ऐसे मार सकता, नहीं तो एक उंगली से भी मार सकता हूँ, नहीं तो कान के अंदर डाल सकता हूँ। तो उसके बाद कंठना, उसके बाद ये नाक नसीका के ऊपर, उसके बाद सूर्य सक्रा, उसके बाद साइड से एल्बो की पूरा सिर है, उसके बाद भीषण, पर मारकर ऐसे मारकर हम लोग उसको बेहोश कर सकता हूँ या गिरा सकता हूँ, या ज़्यादा ऐसा मारने से ज़्यादा दर्द। प्यारे दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और दूसरे को भी शेयर करना और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल को और वो बेल आइकन दबाना। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करना, खराब भी लगा अच्छा नहीं लगा तब भी कमेंट करना। नमस्ते।